मैं विशाल साठे चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये एक बहुत ही महान वनस्पति है और बड़े अचरज की बात है कि ये मुझे सड़क के किनारे लगी हुई मिल गई है। एक्चुअली ऐसा कहते हुए मुझे हंसी आ रही है क्योंकि अपामार्ग की तरह ही या फिर कसौंदी या शिरीष या मूलश्री की तरह ही इसका ये एक्चुअली गुण है। हजारों सालों से एक्चुअली ये वनस्पति सड़कों के किनारे ही लगी हुई हमेशा नज़र आती थी, लेकिन आजकल ये इतनी दुर्लभ हो गई है कि एक ही पौधा मुझे यहाँ पे मिला है और वो पौधा मिलने पर भी सड़क के किनारे मुझे अचरज हो रहा है। पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये क्या है। मुझे यकीन है कि आप इसे जानते ही होंगे। इसे येल्लो रंग के फूल लगते हैं और बाद में इसे फलियां लगती हैं। आपने यकीनन पहचान ही लिया होगा, तो मुझे ये बताइए कि आपके भाषा में इसे क्या कहते हैं और क्या आप इसके बारे में कोई प्रयोग जानते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके शेयर कीजिए। उससे सबका भला होगा, सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब इसके पहचान के विषय में मैं मेरे ऑब्जर्वेशंस डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिए ये सामने सामने इसको पत्ते हैं, लेकिन ब्रांचेज अगर इसके देखें तो ये अल्टरनेट है। ये देखिए ये एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो फिर उसके ऊपर एक यहाँ है, तो ये सामने सामने नहीं है इसके ब्रांचेस, जबकि पत्ते इसके जो है वो सामने सामने हैं। ये इसकी पहचान है। बॉटनिकली अगर इसकी बात करें तो इसे कैसिया टोरा कहा जाता है या फिर सिकल सेना कहा जाता है। आप में से सभी ने लगभग इसे पहचान ही लिया होगा। ये महान वनस्पति पवाड़ है। ये सभी तरह के चर्म विकारों को दूर करने में बहुत ही ज़बरदस्त है और ख़ास करके ये रिंगवॉर्म को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि जिसे दांत कहते हैं, जिसमें गोल गोल ऐसा डिज़ाइन वाला एक स्किन डिसीज़ हो जाता है, उसे ये दूर करने के लिए खास जानी जाती है, इसीलिए इसे चक्रमर्द कहा जाता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे कटु कहा गया है, यानी कि ये टेस्ट में कड़वा होता है। ये लघु है, यानी कि ये पचने में हल्का है, और ये रूक्ष है, यानी कि ये ड्राई है, और ये उष्णवीर्य है, यानी कि ये गर्म स्वभाव का है। इसलिए ये पित्त को बढ़ाने वाला और कफ और वात को कम करने वाली वनस्पति है। ये हर तरह के चर्म विकार के लिए एकदम रामबाण है। अगर किसी को एक्जिमा हो गया है या फिर सोरासिस हो गया है या दांत खाज खुजली है या अर्टिकेरिया हो गया है जिसे शीतपित्त कहते हैं, और जगह जगह पे पूरे बॉडी पे लाल लाल ऐसे दाफड़े पड़ जाते हैं, या किसी भी तरह का चर्म विकार क्यों ना हो गया हो, इसमें क्या कीजिए, आप इसके पत्तों को उबाल लीजिए और उस पानी से स्नान कीजिए, या फिर इसकी सब्जी बना करके भी खाई जाती है, या फिर इसे जो फलियां लगती हैं उनमें से जो बीज निकलते हैं उनको भून करके और 1 ग्राम जैसा पानी के साथ सुबह शाम खाली पेट उसका अगर सेवन करते हैं तो हर तरह के चर्म विकार दूर होते हैं। इसके अलावा ये ज़बरदस्त रक्त शोधक वनस्पति है, इसलिए ये बुखार को भी दूर करती है। इसमें भी इसी तरह से इसका अगर सेवन किया जाए तो बुखार तुरंत काबू में आ जाता है। इसके अलावा खांसी में भी इसके बीजों का, जिस तरह से मैंने बताया, भून करके 0.5 ग्राम या 1 ग्राम पानी के साथ अगर सेवन करते हैं तो ये खांसी में भी बहुत अच्छा काम करता है। और मैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये वात को काबू में करने वाली और वात को बैलेंस करने वाली वनस्पति है। तो अगर किसी भी तरह का अगर वात रोग हो, जोड़ों में दर्द हो, सूजन हो, इन सब में भी इसका इसी तरह से सेवन करने से हर तरह का वात रोग दूर होता है। कहीं दर्द या सूजन हो तो उस जगह पे इसके पत्तों का पोल्टिस भी अगर लगाया जाए तो भी सूजन और दर्द तुरंत कंट्रोल में आ जाता है। ये चर्म विकार दूर करने में तो एकदम चैम्पियन है, इसलिए हर फार्मेसी का यूजुअली आप अगर देखेंगे
किसी भी चर्म विकार को लेकर के अगर आयुर्वेदिक दवाई है, कॉम्बिनेशन है, उसमें ये जरूर डाला जाता है। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रास्ते पे लगा हुआ है और ये रास्ते पे ही लगने वाली वनस्पति है। तो ये इसके और अपामार्ग में और कसौंदी में बहुत ही समानता है। ये मैं मेरा ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसकी समानता की बात करें तो अपामार्ग और कसौंदी और ये पवार, ये तीनों रास्ते के साइड पे लगने वाली वनस्पतियाँ हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये तीनों की तीनों उष्ण वीर्य होती है और ये तीनों की तीनों जो है ये विषनाशक भी होती है। ये सर्प विष में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें भी अगर इसके जहाँ पे सर्प ने डंश किया है वहाँ पे इसके बीजों का पाउडर अगर लगाया जाए तो सर्प डंश में भी बहुत अच्छा लाभ होता है। तो जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, किसी भी वनस्पति का सेवन करने से पहले आप आपके वैद्य का ज़रूर आप मार्गदर्शन लें, क्योंकि हर एक बॉडी अलग होती है, हर एक बॉडी के जो स्वभाव और समस्याएं होती हैं वो अलग होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।